वेलकम दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताऊंगा कि पत्नी के द्वारा जब पति के ऊपर केस किया जाता है तो पत्नी की सबसे बड़ी डिमांड होती है स्त्री धन की, यानी कि पत्नी है जो पति से स्त्री धन लेना चाहती है। कई बार तो वो ऐसे स्त्री धन की डिमांड कर बैठती है जो एक्चुअल में पति के पास में होता ही नहीं है। जहाँ पे वो कंप्लेंट करवाती है, FIR करवाती है, तो वहाँ पे एक लंबी लिस्ट दे देती है कि मेरा जो ये स्त्री धन है पति के कब्जे में है, पति की माता के कब्जे में है, मुझे मिलना चाहिए। और वहाँ से है फिर पति के ऊपर दबाव डाला जाता है, एक प्रेशराइज किया जाता है कि ये स्त्री धन है, आप अपनी पत्नी को लौटाओ, जबकि वो एक्चुअल में पति के पास में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पति है काफी परेशान हो जाता है। कई बार तो वो ऐसे करता है कि अपने पैसों से वो स्त्री धन बनवा के और उस पत्नी को लौटाता है। तो यहाँ पे अब पति को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पति के लिए तीन बेस्ट धाराएं बताऊंगा जिनका उपयोग करके उस झूठी पत्नी को, जो झूठा स्त्री धन लेना चाहती है, उसको जेल की यात्रा तक पति करवा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल ऐसे बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं जिसमें पत्नी क्या करती है कि IPC 498A के साथ में IPC 406 स्त्री धन की रिकवरी का ये जो सेक्शन है वो मेंशन करवाती है, और उसके अंदर है जो लंबी लिस्ट देती है कि मुझे ये स्त्री धन मिलना चाहिए, मेरा है जो पति के कब्जे में है, पति की माता के कब्जे में है, जबकि एक्चुअल में वो ले जा चुकी होती है अपने पास में। तो फिर पति कहाँ से दे? तो यहाँ पे पति के लिए समाधान है। पति को सबसे पहले ये करना चाहिए कि पति को जब लगे, पत्नी जब पति को छोड़ के मायके जाए, तो उसी टाइम पे पति को ये लगे कि ये केस करने वाली है, अब कुछ ना कुछ जरूर करेगी, तो उसी टाइम पे पति है जो अपने घर की छानबीन करे, ये पता करे कि वो कोई आइटम, कोई ज्वेलरी वगैरह ले गई है क्या। तो कई बार तो पत्नी ये भी करती है कि पति की जो माता है, जो भाभी है, जो यहाँ पे बहन है, उनका जो गोल्ड वगैरह की आइटम है या फिर ज्वेलरी है वो भी ले जा चुकी होती है। तो उस कंडीशन में पति को तुरंत एक्शन लेना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके IPC 380 यानी 380 में FIR करवानी है, जो होती है चोरी की, यानी चोरी का सेक्शन ये डालना है पत्नी के ऊपर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, कि इस तरीके से है जो वो हमारी माता का, हमारी बहन का, हमारी भाभी का जो ज्वेलरी का आइटम है ले जा चुकी है, हम किसी को पता नहीं है, और वो चोरी करके ले गई है इस तरीके से। तो इस सेक्शन के अंदर 7 वर्ष तक की सजा है, 7 वर्ष तक की सजा है, आर्थिक दंड भी इसको देना पड़ेगा, और ये एक गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और ये समझौता करने योग्य नहीं है। अगर पत्नी दोषी पाई जाती है तो उसको कठोर सजा होगी, उसको जेल की यात्रा जरूर होगी। यहाँ पे दूसरा सेक्शन होता है IPC 406, यानी कि पत्नी के द्वारा जो पति का खुद का आइटम है, पति की माता का है, पति की भाभी का है, पति की बहन का है, वो ले जा चुकी है, तो उसकी रिकवरी के लिए पति भी IPC 406 है जो डाल सकता है अपनी तरफ से, अपनी माताजी, भाभी और बहन इन सभी की तरफ से वो रिकवरी का IPC 406 का केस डाल सकता है। तो इसमें 3 वर्ष तक की सजा है और पल्स आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लग सकता है। तो ये इस तरीके का इसमें अपराध होगा और वो है जो पत्नी को देना ही पड़ेगा, ये भी पति डाल सकता है। जिस तरीके से पत्नी IPC 406 डालती है उसी तरीके से पति भी IPC 406 डाल सकता है, ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब तीसरा सेक्शन आता है IPC 420। 420 का मतलब है कि पत्नी ने छल किया है, कपट किया है और इस तरीके से पति को धोखा दिया है। इन सभी कंडीशन में पत्नी के ऊपर IPC 420 भी बनती है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा है, और ये एक गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और समझौता करने योग्य है। तो इस तरीके से पति को क्या है, तुरंत एक्शन में आना है, जब पत्नी पति को छोड़ के जाए, मायके जाए, उसी टाइम पे अगर पति करवा देता है तो बेस्ट रिजल्ट है पति को मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। पर यहाँ पे अगर पति उस टाइम पे एक्शन नहीं ले पाता है तो बाद में भी वो अपने इस तरह से इन सेक्शन में केस करवा सकता है। अगर पुलिस ना ले तो वो डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, वकील साहब की मदद ले सकता है। तो वकील साहब है जो अपने इस तरह से, अपने जरिए से वो इन धाराओं के अंदर केस है जो करवा देंगे, और पत्नी की है जो अपने ठिकाने आ जाएगी, फिर कभी भूल के भी पति के ऊपर या फिर किसी के ऊपर भी झूठा केस वो नहीं करेगी, यहाँ पे वो खुद फंस जाएगी। जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।